अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे ईमान की मिसाल। अजर नाम का एक शख्स था, उसकी किराना की दुकान थी। ठंड का मौसम था। अजर 9 बजे दुकान बंद करके घर की तरफ आता है तो देखता है उसकी बीवी और बच्चा घर के बाहर बैठे हैं। अजर को ताज्जुब होता है, इतनी ठंड में ये बाहर क्यों बैठे है। तभी बीवी बताती है, अजी हमारे घर के अंदर एक काला सांप गया है। अजर एक लकड़ी लेके घर के अंदर जाता है, सब घर देखता है पर सांप नहीं दिखता। बीवी बताती है, अजी हमने हमारी आँखों से सांप देखा है। अजर वापस घर में जाता है, पूरा सामान घर के बाहर लाता है, फिर भी सांप नहीं मिलता। अजर बीवी से कहता है, सांप चला गया होगा। उसकी बात सुन के बीवी को इत्मीनान आता है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं, फिर बीवी और बच्चे सो जाते हैं। अजर हिसाब करने बैठ जाता है, मगर हिसाब में उसका दिल नहीं लगता। हिसाब बंद करके सोने लगता है। जैसे ही आँख बंद करता है तो उसकी आँखों के सामने काला सांप दिखाई देता है। अजर झट से आँखें को खोल देता है। ऐसे ही पड़ा रहता है तो बिल्ली एक पानी का गिलास गिराती है। अजर को लगता है कि यही सांप है, कहीं सांप तो नहीं। इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर जाती है, एक पल भी अजर को नींद नहीं आती। अब मेरे भाई ज़रा सोचो, अजर की बीवी कभी सच बोलती है, कभी झूठ बोलती है, मगर उसकी बात सुन के अजर की रातों की नींद हराम हो गई। और इधर अल्लाह के नबी सच्चों के सच्चे, उन्होंने कहा, तुम्हारे दोनों कंधों पर दो फरिश्ते हैं, एक किरामन और एक कातिबीन। एक तुम्हारी नेकियाँ लिख रहा है और एक तुम्हारी बुराइयाँ लिख रहा है। मगर आज हमारी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गई, मगर इसमें से एक रात भी हमारी ये सोच के नहीं गुजरी कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह हमें मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।